हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे डूज एंड डोंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से मेरा एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो पाया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको जो मॉक है वो टाइमर के साथ अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखा अपने प्रिपरेशन में कि वो मॉक को पहले सबमिट करते हैं और फिर अटेम्प्ट करते हैं, जिससे मॉक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही डिफीट हो जाता है। मॉक का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट मिले और आप अच्छे से टाइम के साथ मॉक को अटेम्प्ट कर पाओ, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, और जब भी आप एग्जाम में जाओ तो आप पैनिक ना करो। तो आपको क्या करना है कि मॉक को हमेशा टाइमर के साथ अटेम्प्ट करना है। कोई भी मॉक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप सबमिट करके अटेम्प्ट कर रहे हो। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको डिसिप्लिन को वैल्यू करना है ओवर मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होती है कि अगर आपको आज अच्छा फील हो रहा है तो आप आज 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन कल आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहे हो। लेकिन डिसिप्लिन क्या कहता है कि चाहे आज अच्छा फील हो रहा है तब भी आप 10 घंटे पढ़ोगे, अगर आपको कल अच्छा फील नहीं हो रहा तब भी आप 10 घंटे पढ़ोगे। तो आपका जो ग्राफ है वो धीरे 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 ऊपर जाएगा, ना कि ऐसे ऐसे जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन की वजह से कभी आपको मोटिवेशन कम होगी तो ग्राफ नीचे आ जाएगा पढ़ने का, कभी ज्यादा होगी तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन आपको हमेशा कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए जिससे आपका ग्राफ कंसिस्टेंटली ऊपर जाए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको डेली का फिक्स रूटीन रखना है। अब या तो आप पूरी प्रिपरेशन का एक ही रूटीन बना लो जैसे मैंने बना रखा था, या फिर आप वीकली या मंथली या डेली का रूटीन रोज बना लो और उसको फॉलो करो। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कोई फिक्स रूटीन फॉलो नहीं करते, जब उनका मन करता है पढ़ लेते हैं, जब नहीं करता तो नहीं पढ़ते। ये चीज आपको नहीं करनी, आपको हमेशा एक फिक्स रूटीन बना के रखना है जिससे आपको पता चलेगा आपने क्या क्या आज करना है और कितना आपने कर लिया। तो इसके साथ जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको अपने सोर्सेस के साथ स्टिक करना है। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अपने सोर्सेस को बार बार चेंज करते रहते हैं। इनिशियली आप 3-4-5 सोर्सेस को टेस्ट कर सकते हो। सोर्सेस से मेरा मतलब है बुक्स, टेस्ट सीरीज, टीचर्स, इन सबसे है। अगर आप 3-4 सोर्सेस को ट्राई कर रहे हो इनिशियली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बार डिसाइड कर लेना है कि आपको एक या दो सोर्सेस कौन से यूज करने हैं अपने प्रिपरेशन में, एंड उन सोर्सेस के साथ आपको हमेशा स्टिक रहना है। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन जो बच्चे सोर्सेस चेंज करते रहते हैं बार बार, उनके केस में क्या होता है कि उनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से उनका स्कोर जो होता है बहुत कम होता है। इसके साथ लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो है कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल टाइम देना है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे या कुछ और काम नहीं कर रहे तो मैं अपने आइडिया से बता सकता हूं, जैसे मैं प्रिपेयर करता था तो मैं 10 से 12 घंटे डेली दे देता था। अगर आप जॉब करते हो तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आपको मैक्सिमम पॉसिबल टाइम देना है अपना, क्योंकि किसी भी चीज के लिए कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपका मोटिव पढ़ाई करना है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास 10 घंटे दिन में है तो आप सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ रहे हो। जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि आपको क्या नहीं करना, 2-3-4 घंटे 5 घंटे वाला शेड्यूल फॉलो नहीं करना अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास जितना भी पॉसिबल टाइम है उतने टाइम में आप पढ़ते रहो, लेकिन आप मैक्सिमम पॉसिबल टाइम अपना दो, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन इस बार कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इन 5 पॉइंट्स के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हैव अ ग्रेट डे।